So this unit 5 we will discuss about the web-based information retrieval systems. And before moving to information retrieval systems, basically we'll see what the syllabus we will cover in this session. We'll talk about the characteristics of the web-based retrieval systems, and also we characteristics of web information sources and how it differs from the text-based or traditional so information sources that we had when the text-based information retrieval systems used to be there. And then we will discuss about the architecture of web search engines and meta search engines. Okay, so first we will discuss what is World Wide Web, because we are talking about the web-based information sources. Am I audible? हेलो, यस सर, यस सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, यस. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब. एंड आल्सो हम लोग बीलिम में जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको शायद फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था एचटीएमएल एंड अदर्स. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक मासिव कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड में स्टोर्ड होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरनेट. सो इंटरनेट से कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में बिखरे हुए हैं, और उन कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर्ड वेब पेजेस हैं जिसके कलेक्शन को हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं. ओके, सो इट वाज डेवलप्ड इन 1989 बाय टिम बर्नर्स-ली एंड हिज कॉलीग्स एट सर्न, जो कि एक लैब है जिनेवा में. और उन्होंने क्या किया था, एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया था जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने बनाया था, मतलब डिजाइन किया था, उनके लिए यूज होती है. और उन्होंने एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर भी बनाया था जो कि 1992 में जनरल पब्लिक के लिए रिलीज किया था. तो इसमें जो है उन्होंने मेन ब्रॉडली अगर देखें तो तीन तरीके से जो है वो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. एक तो है जिसको हम बोलते हैं a system of globally unique identifiers for resources on the web. हर एक जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वेब में एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर प्रदान किया जाता है, ठीक है. और एक पब्लिशिंग लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं HTML, ठीक है. और एक तीसरा है जो कि ट्रांसफर के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे देखिए एक क्लाइंट का वेब ब्राउजर है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी, एक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर तक पहुंची, और वेब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक वेब पेज जो कि एक HTML फाइल थी उसको वाया इंटरनेट वापस उसी वेब ब्राउजर को भेज दिया जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस काम करता है, जैसे कि यहाँ पर एक दिखाया हुआ है कि क्लाइंट ने सेंड मी द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू. ये जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं ये ट्रांसफर HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है. तो द क्लाइंट सेंड्स एन HTTP मैसेज टू कंप्यूटर एंड रनिंग अ वेब सर्वर प्रोग्राम एंड आस्क फॉर अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए मांगता है. इससे सर्वर जो है वो बदले में एक HTML डॉक्यूमेंट देता है, हाइपर मीडिया HTML डॉक्यूमेंट टू द क्लाइंट. एंड
जो क्लाइंट है उसके पास वो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है कुल मिला के जो वेब है कुछ ऐसा इस तरह से वो काम करता है। अब अगर हम इसकी वेब बेस्ड वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स की अगर हम बात करें, तो वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स जो है वो ट्रेडिशनल टेक्स्ट रिट्रीवल सिस्टम से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर जो नेचर ऑफ रिसोर्सेस हैं, जो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अलग है। क्योंकि एक पहला तो इसका आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसके बाद वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, या जो यूजर्स हैं वो उनका भी डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर्स हैं। तो ये सारे कारण हैं, इनको हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे कि जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं और जो नॉर्मल हमारे जो पहले के ट्रेडिशनल टेक्स्ट रिट्रीवल सिस्टम्स थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस थे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे कि वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेस जो हैं उनकी, या वेब के ओवरऑल अगर वेब को देखें और उसके पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को अगर हम देखें, तो उसमें कैसे क्या डिफरेंट चेंजेस हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी हम बात कर सकते हैं। पहला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द वेब। जो वेब का जो नेचर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वेब रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड उनको इकट्ठा करने के लिए, लोकेट करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए कॉम्प्लेक्स नेचर चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस्ड या होम बेस्ड या लाइब्रेरी के लिए, सिर्फ अगर लाइब्रेरी के हम ओपैक से अगर कंपेयर करें, तो लाइब्रेरी ओपैक में हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक जगह का डेटा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो सिर्फ उसी जगह का ही डेटा होता है। ठीक है, तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि डेटा जो रिसोर्स है उसको लोकेट कैसे करेंगे, उनकी इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, रिट्रीवल कैसे, तो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो पूरे विश्व में बिखरे हुए हैं, और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे जो है। और जो कंप्यूटर्स जो कनेक्ट हैं एक दूसरे से, उनके भी डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं, और जो उनको इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स, जो सॉफ्टवेयर, जो स्टैंडर्ड्स यूज हुए हैं वो भी डिफरेंट है। तो ये पूरा एक प्रोसेस जो है उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, जबकि अगर हम टेक्स्ट रिट्रीवल सिस्टम्स की बात करें तो वो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस की ही बात करते हैं। ठीक है, और वो बहुत कम मात्रा में भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उपाय की थोड़ी सी चर्चा, सो नो सच यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इज यूज फॉर क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेब इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। जैसे कि हम अगर देखें तो ओपैक में 1965 में जब मार्क वगैरह फॉर्मेट्स आए, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज ने आपस में एक्सचेंज करना शुरू किया और उससे एक सर्चिंग प्रोवाइड करना शुरू किया थ्रू Z39.50 प्रोटोकॉल। लेकिन ये Z39.50 प्रोटोकॉल तो इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि जो बैकग्राउंड में जो फॉर्मेट था सभी यूनिवर्सिटीज का या सभी लाइब्रेरीज का, वो जो था वो मार्क स्टैंडर्ड ही यूज कर रहे थे बैकग्राउंड में। बट वेब में ऐसा नहीं है, कोई किसी स्ट्रक्चर में डॉक्यूमेंट लिख रहा है, कोई किसी में लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है, तो HTML तो लैंग्वेज तो है लेकिन अंदर स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो है वो सर्चिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेब पे इट वॉज नॉट वेरी इजी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है वो नहीं फॉलो कर रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक डिफरेंशिएटिंग है। दूसरा अगर हम बात करें कि साइज एंड ग्रोथ ऑफ द वेब, जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम देखें तो वेब का जब शुरुआत 1994 के बाद से इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली आया, बढ़ हुआ है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का हम लोग क्या मतलब कहते हैं? एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है कि जैसे कि आज एक है तो कल दो हो गया, और फिर परसों चार हो गया, फिर चार से फिर आठ हो गया, आठ से फिर फोर या सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन से फिर सिक्सटीन हो गया, ऐसे करके बढ़ता है। ना कि सिंपल ग्रोथ नहीं है कि भाई एक में एक जोड़ा तो दो हुआ, दो में दो जोड़ा तो चार हुआ, ऐसे नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि जितने गुना हम जोड़ रहे हैं फिर उसके हर एक को उसने गुना से मल्टीप्लाई कर। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत ज्यादा। जैसे अब देखिए, जैसे हम लोग कोरोना में भी ये देख रहे हैं ना कि जो ट्रेंड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। शुरू में कम है, फिर धीरे से, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी से, जो इसकी जो अगर ग्राफ अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ना। तो एक सिंपल ट्रेंड ना शो करके बल्कि बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है जो वेब का। तो ये जो है जो साइज है, और जो जो वेब का जो साइज है, मतलब कि जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं एचटीएमएल में, वो बहुत ज्यादा वास्ट है। मिलियंस ऑफ तो वेब सर्वर्स ही हैं, और हर सर्वर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं।
ये डिपेंड करता है कि बहुत मतलब ये प्रॉब्लम है कि कैसे कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे हम इसको इंडेक्स करें, कैसे रिट्रीव करें इंफॉर्मेशन को, और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जो वेब है साइज का जो है वेब का वो बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीज भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो ठीक है, एक स्टैग्नेंट नहीं है, वो लगातार जो है वो बढ़ता रहता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वेब, अगर हम ट्रेडिशनली ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम से बात करें तो जैसे अगर एक लाइब्रेरी का कैटलॉग है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट है एक एक उसी रफ्तार से ही बढ़ते हैं। जैसे एक साल में अगर 1,000 बुक ऐड हुई है तो धीरे धीरे हर पर डे अगर 2 बुक भी ऐड हो रही है तो वही स्पीड से ही बुक ऐड होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है कि इसमें हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितने डॉक्यूमेंट्स ऐड हो रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट इज की एक कॉन्सेप्ट है डीप वेब एंड सरफेस वेब का। तो जो ये कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं ऑन द वेब वो दो डिफरेंट लेवल्स पे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब का मतलब है कि जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसके लिए कोई यूजर नेम पासवर्ड या कोई ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, ऐसे भी रिसोर्सेस हैं जो कि ऑथोराइज्ड एक्सेस से या पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं या फिर इवन सब जो सर्च इंजन है उससे इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डीप वेब। तो पहले वाले को हम बोलते हैं सरफेस वेब, वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस जो कि आसानी से हमको दिख जा रहे हैं, जो कि एक्सेसिबल है किसी को भी, और उसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। और जो डीप वेब है वो ऐसा वेब है जिसमें कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या कोई और किसी पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट प्रोग्राम की मदद से ही हम उस वेब को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वेब्स, ऐसे जो पोर्शन ऑफ वेब को हम बोलते हैं डीप वेब। तो ये रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है कि जो सरफेस वेब है वो सिर्फ 15% है टोटल का, मतलब कि 85% जो इंटरनेट है, जो वेब वर्ल्ड वाइड वेब है वो डीप वेब में आता है, मतलब कि वो जो है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या फिर ऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं ऐसे वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेस का, तो डीप वेब जिसका ज्यादा ज्यादा शेयर है टोटल वेब में वो तो हमें एक्सेसिबल ही नहीं है, तो वो हमारा एक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम देखें तो वहां पे हमारे पास बहुत कम टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स है, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। जैसे हमको टेक्स्ट भी मिल जाता है, हमको इमेजेस मिल जाती हैं, हमको डेटा सेट्स मिल जाते हैं, ऑडियो मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है और सेवरल अदर फॉर्मेट्स जो हैं वो हमको मिल जाते हैं, ठीक है। जबकि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम क्या था, टेक्स्ट है, यूजली टेक्स्ट था और बहुत सारा बहुत होगा तो इमेजेस होती थी, लेकिन आप आज की डेट में जो वेब है उसमें तो हर तरह का जो है डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तीसरा जो है कि क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं कि जो वेब रिसोर्सेज है, वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज में जो क्वालिटी है वो उसकी कोई हम गारंटी नहीं दे सकते। जबकि ट्रेडिशनल में क्या था कि क्वालिटी वाइज जो थे वो ज्यादा रिव्यू होके ही मटेरियल आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि सिंस एनीवन कैन पब्लिश ऑन वेब, सो देर आर क्वालिटी इश्यूज एसोसिएटेड विद वेब इंफॉर्मेशन, वो भी एक प्रॉब्लम है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस, दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम, कि जैसे ट्रेडिशनली जब हम देखें कोई डॉक्यूमेंट कितनी बार अपडेट होता था, जैसे एनसाइक्लोपीडिया आप लोग पढ़ते हैं ना, ब्रिटानिका और ये अदर्स, तो वो साल में एक बार अपना अपडेट निकालते थे। जबकि आज की डेट में जो वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो चेंज है उस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, तो उसको कैसे हम मैनेज करें वो भी एक चैलेंज है, कि मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को कैसे ट्रैक किया जाए, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए एक चैलेंज है। फिर अनदर इशू इज दैट समटाइम्स की वेब पेजेस में क्या है कि जो उनकी यूआरएल होता है उस यूआरएल चेंज हो जाता है, उनकी वो पेजेस मूव हो जाते हैं, उस जगह से हट जाते हैं, तो वो हमारा जब रिट्रीवल होता है तो वो रिट्रीवल रिट्रीव करके हमको क्या मिलता है, हमको लोकेशन मिलती है, तो वो लोकेशन मिलती है बट उस लोकेशन पे वो डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, सो वो भी एक जो है इशू है।
देन ओनरशिप, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ओनरशिप, तो जो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अब एक्सेसिबल हैं वेब पे, वो डिफरेंट एक्सेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, जबकि कुछ के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी या एक्सेस राइट लेने पड़ेंगे, कुछ के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या कुछ, अगर कुछ एक्सेसिबल है तो क्या वो हम उसको यूज भी कर सकते हैं? अगर समथिंग इज एक्सेसिबल, क्या उसे यूज कर सकते हैं? तो जो ये जो राइट्स हैं, राइट्स टू एक्सेस, ये पता करना बहुत मेजर चैलेंज है वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम डेवलप करने वालों के लिए, कि जैसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बट वो सही है कि नहीं, उसके राइट्स हमको हैं कि नहीं, कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो राइट्स हैं, ओनरशिप है, वो भी बहुत डिफरेंट है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग ओनर हैं, और हर एक कभी कभी डॉक्यूमेंट्स के ओनरशिप पता करना भी मुश्किल होता है। दैट इज वन अनदर प्रॉब्लम। उसी तरह से जो यूजर्स हैं, जो हमारे जो टेक्स्ट बेस्ड पुराने जो रिट्रीवल सिस्टम्स थे, वो किसी एक पर्टिकुलर यूजर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑलमोस्ट ऑल जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स होते हैं, वो किसी स्पेशलाइज्ड यूजर्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाता है, या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाता है। बट यहाँ पर तो कोई यूजर का हमें आइडिया ही नहीं है कि उनका नेचर कैसा है, उनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यूजर की, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, उनके सर्च बिहेवियर क्या है, और टारगेट यूजर कम्युनिटी क्या है, ये हमें नहीं पता है कि उसे हमारे टारगेट जनरल यूजर्स हैं। जो भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है वो सारा हमने इंडेक्स कर दिया, उस पर सर्च प्रोवाइड कर दिया। तो जो डिजाइनर है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं होता है कि टारगेट यूजर किस तरह के हैं उसके पास, उनका जो नेचर है वो कैसा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लोकेशन कहाँ पे वो पाए जाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। हालांकि इस पे रिसर्च होती है और लोग पता करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट सर्च इंजन्स ने ऑफ लेट बहुत सारे एल्गोरिथम्स डेवलप किए हैं जिससे वो पता कर लेते हैं कि कहाँ से ज्यादा सर्चेज हो रही हैं, किस तरह के यूजर्स हैं हमारे पास, बट उनकी सर्च क्वेरी से ही हम जज कर पाते हैं, बट उनके बारे में हम नहीं जानते। जबकि ट्रेडिशनल सर्च इंजन है तो जैसे आप लाइब्रेरी में हैं तो आप जानते हैं ना कि वो यूजर किस तरह का है, किस फील्ड का है, उसका हम प्रोफाइल जानते हैं पूरी तरह से। और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक तो मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हैं, वो भी उनकी जो लैंग्वेज वाइज भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज हो जाता है कि भाई कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम कैसे सिस्टम बनाएं कि वो जो है वो सही डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर पाए। क्योंकि अभी अगर आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो आपका जो सर्च इंजन का जो मैकेनिज्म होता है रिट्रीवल सिस्टम्स का, उसमें जो प्रोसेसिंग है, लैंग्वेज है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो रिट्रीवल देना भी एक चैलेंज है। ठीक है, इसके अलावा जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चूंकि जो रिसोर्सेज है वो बहुत भारी मात्रा में है, और उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, टाइप्स बहुत डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है, तो किसी भी एक ऐसे एफिशिएंट या इफेक्टिव वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है उसके लिए। रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी, यू नीड लॉट ऑफ मनी टू मेंटेन सच काइंड ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इसमें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है इसको मेंटेन करने के। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट जो वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं वो, उसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, फैले हुए हैं, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा मात्रा में, और बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, और यूजर्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो है ओनरशिप के राइट्स के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, डीप वेब और सरफेस वेब का भी इश्यूज है। नेक्स्ट है, हम लोग इसमें बात करेंगे, दैट इज वेब सर्च इंजन्स। जो वेब सर्च इंजन्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं? सो वेब सर्च इंजन क्या है? इट्स एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑन द वेब। वेब पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, अब उनको एक्सेस करने के लिए हमें उन डॉक्यूमेंट्स का URL पता होना चाहिए, तभी हम उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। अब उनके URL को कैसे हम जानेंगे? या तो हमें उस वेबसाइट का एड्रेस पहले से पता हो तो हम उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके अपने ब्राउजर में एड्रेस बार में वहां तक पहुंच सकते हैं,
लेकिन अगर हमें ये पता ही नहीं हो कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए जो वेब सर्च इंजन्स हैं उनकी हमको जरूरत पड़ती है, जहाँ पर हम अपने क्वेरी देके डिफरेंट लोकेशंस यूआरएल्स पता कर सकते हैं, वेब इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के वेब पेजेस के यूआरएल पता कर सकते हैं, हम ऑथर वाइज टाइटल वाइज सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं, और जो कि एचटीएमएल में स्टोर्ड है और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी हम सर्च इंजन्स की मदद से ही कर पाते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं लाइक डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, यूजर इंटरफेस, डेटा विजुअलाइजेशन, फिल्टरिंग, ये सारी टेक्निक्स जो है सर्च इंजन अप्लाई करते हैं इन द बैकग्राउंड आपको एक अच्छा इंटरफेस देने के लिए। एंड आईआर कैन बी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कैन बी इनएक्यूरेट एज लॉन्ग एज द एरर इज इनसिग्निफिकेंट। ये सभी जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बट जो आपका ये कुछ ना कुछ उसमें इनसिग्निफिकेंट जो एरर्स हैं वो होंगी ही होंगी, बट उस एरर्स को हम कितना कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज द चैलेंज। ठीक है, सो क्योंकि जो डेटा है इनके पास वो डेटा जो है नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में नहीं है। जैसे कि अगर हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को देखें तो हमने उसको इंडेक्सिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में ही हमने इंडेक्स तैयार किया, बट यहाँ पे क्या है कि जो डेटा है वो नेचुरल लैंग्वेज का है, तो जब नेचुरल लैंग्वेज का डेटा है तो वो जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर्ड होगा, और वो सिमेंटिकली एम्बिगुअस भी हो सकता है, द्व्यर्थी भी हो सकता है, उसके मतलब अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम कैप्टन कुक से सर्च करें तो वो जो है वो कैप्टन क्रिकेट के कैप्टन भी ले आए और कैप्टन कुक ले आए, जो कि कैप्टन है इंग्लैंड की टीम के, कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट टीम के, सो दे सिमेंटिकली एम्बिगुअस रिट्रीवल्स हो सकते हैं। सो गोल क्या है, टू रिट्रीव ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिलेवेंट टू अ क्वेरी व्हाइल रिट्रीविंग एज फ्यू नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज पॉसिबल। ये इसका चैलेंज है कि इस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन्स, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो सर्च इंजन में यूजली अप्लाई होते हैं, हालांकि हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट चूंकि वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसलिए थोड़ा सा इसको और समझना जरूरी है। तो ये जो हम लोग कॉम्पोनेंट देख रहे हैं वो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन को देख रहे हैं, जो इसमें तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, जिसको हम पहला बोलते हैं क्रॉलर, जिसको हम स्पाइडर भी बोलते हैं, और ये स्पाइडर जो है ये एक एक पेज को विजिट करता है और हर पेज को रीड करता है, और जो उसके अंदर लिंक्स होते हैं अदर पेजेस के लिए उनको फिर विजिट करता है और उनको भी रीड करता है, और रेगुलर बेसिस पे वो साइट पे वापस जाता है, और फिर उन रेगुलर बेसिस पे लाइक एवरी मंथ एवरी 15 डेज जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को भी रीड करके वापस जो है वो सर्वर पे भेजता रहता है। तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कि भाई वो किसी एक पेज पे जाता है वेबसाइट पे, उसमें जितने लिंक होते हैं फिर उनसे उन वेबसाइट्स पे जाता है, फिर वहां पे जितने लिंक होते हैं उनसे उन वेबसाइट्स पे, और ऐसे वो स्पाइडर क्रॉल करता रहता है एक एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे, दूसरे से तीसरे पे, और इस तरह से, और जो डेटा होता है वो डेटा ये वापस सर्वर पे भेजता रहता है। दूसरा जो कॉम्पोनेंट है दैट इज इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जो भी स्पाइडर कलेक्ट करता है डेटा, उस स्पाइडर उस डेटा को सर्वर पे भेजता रहता है, और उस सर्वर पे वो डेटा जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है एक इंडेक्स के फॉर्म में, जहाँ पे उसको स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, सो अगर वो डेटा चेंज होता है तो उसमें इंडेक्स में भी वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो इंडेक्स बेसिकली वो है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं सारा डेटा, और उसको फास्टर एक्सेस के लिए हम उसको इंडेक्स करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं ताकि जो फाइल्स हैं वो जल्दी से रिट्रीव हो जाए। तीसरा कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन का सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की क्वेरी को एक्सेप्ट करता है या डिजाइन करता है, जिसमें कि यूजर अपनी क्वेरी को एंटर कर सके, इंटरप्रेट कर सके, और उसको इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद मिलियंस ऑफ पेजेस जो रिकॉर्ड किए हैं उन पेजेस को इंडेक्स करके उसमें से जो रैंक करके और उसको विजुलाइज कराता है एक ऐसे मैनर में ताकि यूजर उसमें से अपने रिलेवेंट हिट्स को पहचान सके। तो अगर इस फिगर को हम देखें तो सर्च इंजन में एक फॉर्म होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं, उस फॉर्म में क्वेरी पार्सर होता है, जब आप क्वेरी डालते हैं तो क्वेरी को पार्स करता है, मतलब क्वेरी को पढ़ता है, देखता है, और वो क्या करता है इन द बैकग्राउंड क्या करता है, टर्म्स को टोकनाइज करता है, मतलब कि जो क्वेरीज में आपने जो टर्म्स लिए हैं उन टर्म्स को अलग अलग करता है,
और जो ऑपरेटर्स आपने या फिल्टर्स यूज किए हैं उन फिल्टर्स को पहचानता है और उसके हिसाब से जो जो क्वेरी है उसको फॉर्म करता है और वो सेंड कर देता है क्वेरी इंजन को। क्वेरी इंजन क्या करता है कि जो क्वेरी पार्सर ने क्वेरी बनाई है, नई क्वेरी, यूजर की क्वेरी बदल गई, क्वेरी पार्सर ने उसको बदल दिया, क्वेरी को जो बनाया है उस क्वेरी को वो इंडेक्स में सर्च करता है और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिट्रीव करता है और उसको जो आउटपुट होता है उसको रिलेवेंस रैंकर को भेज देता है। रिलेवेंस रैंकर क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट है उनको सॉर्ट करता है और टर्म मैचिंग, लोकेशन, फ्रीक्वेंसी, इन सब बेसिक डिफरेंट जो क्राइटेरिया हो सकते हैं रिलेवेंस रैंकिंग के, उसके सम एल्गोरिथम अप्लाई करता है जिससे कि जो रिजल्ट्स हैं उनको रैंक कर देता है और फिर उसको एक फॉर्मेटर को भेज देता है। फॉर्मेटर जो है वो उस लेआउट, जैसे रिजल्ट को दिखाना किस तरह है, उस लेआउट को डिफाइन करता है कैसे रिजल्ट्स को यूजर को दिखाना है और फिर फाइनली रिजल्ट को यूजर को दिखाता है। तो इस ये पूरा प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में चलता है जब आप एक क्वेरी सर्च इंजन पे रन करते हैं। थोड़ा सा वेब क्रॉलर्स को समझ लेते हैं कि वेब क्रॉलर क्या है। वेब क्रॉलर कोई ऐसा दिखता नहीं है जो स्पाइडर जैसा फोटो में दिख रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की तरह है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है, वो वेब जो है वो हर पेज को विजिट करता है। शुरुआत में क्या होता है कि एक कुछ लिस्ट ऑफ यूआरएल्स जो है वो दे दिए जाते हैं इस प्रोग्राम को, वो उन यूआरएल्स को विजिट करता है और उन यूआरएल्स से फिर जो लिंक हाइपर लिंक्ड होते हैं, जैसे आपने एंकर टैग यूज किया था उस तरीके से एंकर टैग्ड होते हैं, उनको फिर उनके थ्रू ट्रैवल करके नए पेजेस पे पहुंच जाता है और फिर नए पेजेस से फिर नए पेजेस और ऐसे करके सभी पेजेस के कंटेंट को पढ़ के वापस भेजता रहता है सिस्टम पे। ज्यादातर जो रोबोट्स हैं स्पाइडर्स, इनको स्पाइडर्स, रोबोट्स, वॉर्म्स, वॉन्डर्स, वॉकर्स, नोबोट्स, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और जो पहला क्रॉलर है जो 1993 में बनाया था, और इसको पब्लिकली कभी बताया नहीं गया कैसा है, लोकल मशीन सेंड्स रन्स ऑन लोकल मशीन, ये लोकल मशीन पे रन करता है और रिक्वेस्ट को भेजता है रिमोट सर्वर्स पे, ठीक है। तो ये क्रॉलिंग सेम पेजेस को क्रॉल करना, वेब पेजेस चेंज डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं, इनवैलिड लिंक्स, 2-9% इनवैलिड लिंक्स भी होते हैं। और फास्टेस्ट जो क्रॉलर्स हैं वो जो है वो 10 मिलियन पेजेस पर डे के करीब जो है वो करते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, इतने हैं। तो जो फास्टेस्ट क्रॉलर्स हैं वो 10 मिलियन पेजेस पर डे के करीब भी क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी इससे भी अच्छे क्रॉलर्स आ चुके हैं। नहीं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और लाइक सर्च बाय कीवर्ड्स, ज्यादातर सर्च इंजन जो हैं वो कीवर्ड्स, जिसको हम लोग क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन्स बोलते हैं, वो कीवर्ड बेस्ड होते हैं, जैसे गूगल वगैरह कीवर्ड बेस्ड है। कुछ सर्च इंजन्स को, या सर्च इंजन तो नहीं कहेंगे उनको, वो कैटेगरीज बेस्ड डायरेक्टरीज बोलते हैं, जैसे याहू में याहू डायरेक्टरीज के नाम से है, जिसमें कि हम क्लासिफाई करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अलग अलग क्लासिफिकेशन क्लासेस में रखते हैं, जिसको ब्राउज करके हम अंदर देख सकते हैं। कुछ हैं जो स्पेशलाइज इन अदर लैंग्वेजेस ही होते हैं, जैसे चाइनीज या जापानीज है। कुछ हैं जो स्पेशलाइज बाई कॉन्टेंट होते हैं, जैसे मल्टीमीडिया सर्च इंजन या गूगल इमेजेस, जैसे उसका एक एग्जाम्पल है, या मेटा सर्च इंजन जैसे डॉग पाइल, मामा एंड मेटा क्रॉलर, ये सब एग्जांपल हैं जो मेटा सर्च इंजन्स के एग्जांपल हैं। तो मेटा सर्च इंजन जो कि आपके सिलेबस में अलग से लिखा है उसको देख लेते हैं, बाकी के हम लोग सारे एग्जांपल लगभग पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं हम लोग जनरल सर्च इंजन्स क्या होते हैं और सबके एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटा सर्च इंजन है वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो यूजर से क्वेरी लेते हैं और उस क्वेरी को फिर डिफरेंट सर्च इंजन्स में भेज देते हैं और फिर वो सर्च इंजन फिर रिस्पांस रिटर्न करते हैं और उन रिस्पांस को फिर किसी तरह से अरेंज करके वापस जो है रिस्पांस के तौर पे यूजर को दिखा दिया जाता है। जैसे इस नेक्स्ट डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए वेबसाइट, ब्लॉग्स, इमेजेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, वेब रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो जो हर एक वेब सर्च इंजन जो है वो अपना अपना एल्गोरिदम अप्लाई करके एक अपना सर्च इंजन बना चुका है। जैसे मान लीजिए गूगल है, याहू है, बिंग है, ask.com है। मेटा सर्च इंजन क्या करता है कि ये अपना एक एल्गोरिदम बनाता है जिससे कि ये इन सब के रिजल्ट को मर्ज कर सके और डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सके और जो है कि फाइनल रिजल्ट्स को
यूजर्स को दिखा सके। सो मेटा सर्च इंजन जो है वो एक साथ कई सर्च इंजन पे आपके रिकरेंट कंकरेंट सर्च अगर आपको करनी है, कंकरेंट सर्च का मतलब साइमल्टेनियसली आपको कई सारे सर्च इंजन में अगर सर्चिंग करनी है तो मेटा सर्च इंजन उसमें आपकी मदद कर सकता। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे गूगल में डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको तुरंत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, जबकि अगर मेटा सर्च इंजन में करेंगे तो ये रिजल्ट जब तक सबसे रिजल्ट नहीं आया था तब तक आपको डिस्प्ले नहीं करेगा रिजल्ट। और फिर इसके एल्गोरिथम पे भी डिपेंड करेगा कि ये अपने कौन से रिजल्ट को ऊपर रखता है कौन से को नीचे रखता है। अगर हम रिट्रीवल फीचर्स की बात करें तो रिट्रीवल फीचर्स जो है वो लगभग वही है सारे सर्च इंजन में मौजूद होते हैं। बुलियन सर्च होता है, अप्रॉक्सिमेटी सर्च होता है, फील्ड सर्च होता है, फ्रेज सर्चिंग होती है, लिमिटेड सर्च होता है, और जो है आपका साइट स्पेसिफिक सर्चिंग होती है, फाइल फॉर्मेट स्पेसिफिक सर्चिंग। साइट स्पेसिफिक सर्चिंग में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर साइट को हम चाहें तो सर्च कर सकता है। इसी तरह फाइल फॉर्मेट स्पेसिफिक में किसी एक पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट वाइज सर्चिंग करें, जैसे हम PDF में करना चाहते हैं या इमेज में करना चाहते हैं, सिर्फ IMG PNG फाइल को करना चाहते हैं या JPG फाइल, तो वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाकी लिमिटिंग सर्च का मतलब है डेट वाइज हम लिमिट कर सकते हैं, और फ्रेज सर्च का मतलब है कि कोटेशन मार्क्स के साथ एग्जैक्ट सर्चिंग कर सकते हैं, फील्ड वाइज सर्चिंग करना चाहे टाइटल में, सब्जेक्ट में, ऑथर में कर सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी सर्च कर सकते हैं और बूलियन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो आपके यहाँ जो सिलेबस का पार्ट है उसको अभी हमने कवर किया है। इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।